चलिए दोस्तों, कल हम आप लोग को बताए थे 21 नंबर तक, ठीक ना, 21 का भी पूरा ही बना था, थोड़ा सा ही बनाए थे, तो आज फिर से हम आपको 21 नंबर बताते हैं, ताकि उसके आधार पर आपको 21 में 3 क्वेश्चन है, ठीक ना, तो आप उसको बाकी 2 क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों इस एक द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसको हल करना है। हल करने के लिए क्या कीजिए, देखिए पहले देख लो कि यहां पर दोनों मैच कर रहा है या नहीं। मैच कर रहा है तो कुछ मान लेते हैं, माना कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं दोस्तों अपने मन से। अब यहां जो है इसको और इसको क्या मान लिए हैं, पी, यहां रखिए पी, तो पी का स्क्वायर माइनस फोर, इसके बदले क्या मान लिए, पी प्लस थ्री बराबर कितना हो गया, जीरो। अब दोस्तों इसको हल करना है, ये द्विघात समीकरण के फॉर्मूले पर इसको हल करना है, तो गुणनखंड करके हल कीजिए। तो कौन ऐसा दो संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो आएगा चार, गुना करेंगे तो आएगा तीन, ठीक है, कौन ऐसा दो संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो आएगा चार, गुना करेंगे तो तीन आएगा, तो आंसर मिलता है तीन जोड़ एक। दोस्तों तीन में एक जोड़ दिए चार, तीन गुनाए तीन, कॉमन कर लिए, यहां से पी कॉमन कर लिए, इस दोनों में पी मिल रहा है, पी कॉमन कर लिए, पी माइनस तीन, इस दोनों में वन मिल रहा है, वन कॉमन कर लिए, पी माइनस तीन बराबर कितना, जीरो। देखो ये दोनों बाहर में है, एक साथ लिखो, पी माइनस वन पी माइनस थ्री इक्वल टू कितना, जीरो। माइनस वन इक्वल टू उधर चला गया प्लस वन, देखिए ये माइनस वन है इक्वल टू उधर कर दिए प्लस वन, और ये माइनस थ्री है इक्वल टू उधर कर दिए प्लस थ्री, कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये आ गया मान, ये p का मान वन है और p का मान तीन है, यहां जो p है इसके बदले क्या रखेंगे दोस्तों, एक बार रखेंगे वन और एक बार रखेंगे थ्री। तो चलिए पहले वन रख के आपको दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर कितना है, p, p का मान कितना आया है वन, तो रखिए वन, बराबर किधर है प्लस, इधर ले आइए माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखिए द्विघात समीकरण आ गया दोस्तों, अब इसको हल करते हैं द्विघात के सूत्र पर, कैसे हल करते हैं वो देखिए, फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए बी, बी का मान कितना है दोस्तों माइनस टू, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बी का मान टू प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मान है माइनस टू का स्क्वायर, फोर ए, ए का मान है वन, एक्स के आगे में नहीं कुछ तो वन दोस्तों, और सी का मान कितना है माइनस वन बाय टू ए, तो टू ए का मान है वन। अब देखिए एक्स बराबर टू प्लस माइनस दो का स्क्वायर चार माइनस माइनस प्लस चार गुना एक चार बाय टू, चार चार जोड़ दिए आठ बाय टू, आठ का वर्गमूल दोस्तों, आठ का वर्गमूल क्या होता है दो रूट दो बाय दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, देखिए प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार प्लस लिखिए और एक बार माइनस लिखिए, आप चाहिए तो यहां से दो कॉमन कर लीजिए, तो बच गया वन प्लस रूट टू बाय टू, टू टू कट गया कितना बच गया वन प्लस रूट टू, यहां से भी दो दो कॉमन कीजिएगा तो आ जाएगा वन माइनस रूट टू, यही आंसर होगा दोस्तों। तो ये जब पी का मान कितना रखे वन रखे, पी का मान वन रखे इतना गया, अब चाहिए अगर पी का मान तीन रख दीजिए दो और आंसर आ जाएगा, तो मेन यही काम कर रहा है दोस्तों, ठीक ना, तो आप सब लोग उतार लीजिए। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर आपको थ्री बताते हैं दोस्तों,
छह दशमलव उनतालीस वोल्ट। अब आइए 21 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 21 का तीसरा नंबर है, चैप्टर नंबर है 4.2, तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए कैसे बनेगा ये, इसको भी सेम मेथड से बनाना है। अब कैसे सेम मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो भी आप देखिए। सबसे पहले कि देखिए पहले जो दोनों मैच कर रहा है, पहले देखिए मैच कौन कर रहा है, मैच करने वाले को आप मानिए, जो मैच कर रहा है उसको आप मानिए। जैसे कि देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है और यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, मैच कर रहा है तो मैच कर रहा है तो कुछ मान लीजिए इसको, है ना। अब जितना मैच कर रहा है उतना ही मानिए, जितना मैच कर रहा है उतना ही मानिए। जैसे यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना, तो इसको मान लीजिए अपने मन से पी, क्या मान लिए हैं, पी, जो जितना मैच कर रहा है। अब पी मान लिए, माना कि आप लिख दीजिए, माना एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू पी, जो यहां है वही यहां है, ये 2 देखिए यहां पर है बट यहां पर नहीं, तो जितना मैच किया उतना ही माना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x के बदले कितना रखिएगा दोस्तों, पी, इसके बदले क्या रखिए, पी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8, इसके बदले क्या माने हैं, पी 8p माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, हो गया दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 8p माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, देखिए क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4p माइनस 8p माइनस 4 इक्वल टू 0 पी स्क्वायर। अब देखिए 4p में 8p चला गया माइनस 4p और 4 से 4 कट गया, फिर ना प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से p कॉमन कर लेंगे, इसमें भी p है इसमें भी p है, क्या कर लेंगे, कॉमन, p कॉमन कर लिए, बच गया p माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये गुना में है बराबर उधर चला गया भागा में, तो p इक्वल टू 0 बटा p माइनस 4, 0 को भागा दिए p इक्वल टू 0, ठीक है, या p माइनस 4 इक्वल टू 0 माइनस 4 इक्वल टू उधर चला गया प्लस 4। अब देखिए p का मान 0 और p का मान कितना आ गया, 4 आ गया दोस्तों। अब एक बार यहां पर रखिए p का मान 0 और एक बार रखिए p का मान 4, चलिए रख के आपको बताते हैं। चलिए एक बार 0 रखिए, यहां जो p आया उसके लिए क्या रखेंगे, 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर p का फंक्शन कितना है, 0, ठीक है। अब देखिए यहां सेम मेथड है ना, आप यहां से चाहे तो डायरेक्ट विधि से आप बना सकते हैं, x कॉमन कर लीजिए, यहां बच गया x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये गुना में बराबर उधर चला गया भागा में, x बराबर 0 बटा x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर आ गया 0। अब ये प्लस 3 है, x प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 बराबर उधर चला गया माइनस 3, देखिए x का दो आंसर आ गया, एक 0 और एक माइनस 3, तो एक बार p का मान रखेंगे 0 और एक बार p का मान रखेंगे 4, फिर दो आंसर आएगा, इसको उतारिए दोस्तों। यहां
अपनी हाथ बैठ जाओ। चलिए दोस्तों, तो हो गया आपका ये चैप्टर फिनिश। तो जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो पूछिए, उस क्वेश्चन नंबर को दीजिए, उसको डील करेंगे। अब हम आप लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है 4.3, है ना, द्विघात समीकरण का ये एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है 4.3, है ना। देखिए दोस्तों, अब द्विघात समीकरण का नया चैप्टर देखिए 4.3। अब इसमें कैसे हमको बनाना वो देखिए, स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन देखिए आप बड़ा आराम से समझिए दोस्तों। मान लीजिए 4.3 में आए हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है विवेचक ज्ञात, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने किताब से देखिए, पहला क्वेश्चन है विवेचक ब्रैकेट में डी ज्ञात करना है। मतलब बहुत सारा द्विघात समीकरण दिया है दोस्तों, बहुत सारा द्विघात समीकरण दिया है और उस द्विघात समीकरण से हम लोग को क्या निकालना है, विवेचक निकालना है, ठीक ना। विवेचक निकालना अर्थात हम लोग को डी का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं सीखिए। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 3 इक्वल टू 0, है ना। अब हमको इसका विवेचक निकालना है, हमको इसके डी का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं ध्यान सीखिएगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला दोस्तों। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब इसी फॉर्मूला को रख देना है, ठीक ना। देखिए ये हो गया ए, ये है बी और ये है सी। देखिए बी स्क्वायर, बी का मान कितना है दोस्तों 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यूएशन कितना है दोस्तों 1 और सी का वैल्यूएशन कितना है 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 3 कितना हो गया 12, 16 में 12 चला गया 4। देखिए डी का आंसर कितना आ गया 4 हो गया। तो सिंपल आंसर है दोस्तों, उतार लीजिए इसको। तो जब भी बोले विवेचक ज्ञात करें तुरंत ये फॉर्मूला लगा दीजिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। तो आपका विवेचक निकल कर आ जाता है दोस्तों। चलिए उतार लीजिए दोस्तों। अच्छा देखिए, जो विद्यार्थी नहीं उतार पाते हैं आराम तेजी में तो वो आप मोबाइल से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके उतार लीजिए, ठीक ना। ये वीडियो है, कोई लाइव तो है नहीं कि इसमें आपका छूट रहा है, तो वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। चलिए अब इसी का एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक का 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, √3x² −2√2x − 2√3 = 0। मान लीजिए यही क्वेश्चन दोस्तों। अब इसमें हम लोग को इसका विवेचक निकालना है। देखिए आगे वाला क्या होता है ए, ये क्या हुआ बी, ये क्या हुआ सी, और फॉर्मूला लिख दीजिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक निकालने के लिए यही सूत्र है दोस्तों। अब बी कितना है दोस्त, देखो तो यहां बी कितना है −2√2 का होल स्क्वायर −4। ए का वैल्यूएशन कितना है दोस्तों √3। सी का वैल्यूएशन कितना है −2√3, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, ठीक है। 4 को √3 से मल्टीप्लाई किया 4√3 −2√3 −2√3, ठीक है। अब देखिए 4 × 2 = 8 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 × 2 = 8 और √3 × √3 only 3, तो 8 + 8 × 3 कितना हो गया 24 और 24 में 8 जोड़ दिए तो हो गया 32 हो गया आंसर दोस्तों। उतारिए इसको, यही आप लोग का विवेचक आ गया।
चलिए उतार लिए दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दो का देखिए दोस्तों, सभी लोग उसको उतार लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दो का देखिए, तो इस तरह से आप लोग विवेचक निकालिएगा। अब क्वेश्चन नंबर दो है, पता लगाना है दोस्तों कि द्विघात समीकरण के, मतलब पता लगाना है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं। मूल वास्तविक है या नहीं, अब कैसे पता लगाते हैं दोस्तों वो देखिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 7x² + 8x - 1 = 0। अब दोस्तों इसका पता लगाना है किसका मूल वास्तविक है या नहीं है, तो पता लगाने के लिए फिर वही काम करना है ना, फिर वही काम करना है b² - 4ac। देखिए यदि आंसर में, दिमाग रखिएगा यार, मूल वास्तविक है या नहीं, यदि आंसर में 0 आ गया समझ जाइए मूल वास्तविक है, यदि आंसर में धनात्मक संख्या आया, पॉजिटिव संख्या आया, समझ लीजिए मूल वास्तविक है, लेकिन यदि आंसर में माइनस आ गया तो समझ लीजिए मूल वास्तविक नहीं है। तो ये पहचान हो गया दोस्तों। देखते हैं इसका आंसर क्या था। b² कितना है दोस्तों 8, 8² - 4, ए कितना है 7, सी कितना है -1, 8² = 64, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 × 4 कितना हो गया 28, इसको ऐड कर दीजिए तो 8 × 4 = 12, 6 = 8, 9, 92 दोस्तों आ गया, ठीक ना, प्लस आया ना, प्लस आया है, इसका मतलब मूल लिखना पड़ेगा आपको, इसमें लिखना पड़ेगा वास्तविक और असमान है। 0 आएगा तो समान है, 0 आएगा तो यहां समान है, और प्लस आएगा तो असमान है, माइनस आएगा तो मूल वास्तविक है ही नहीं। तो ये पहचान हो गया आपको, चलिए इसको उतार लीजिए आप। हो गया दोस्तों, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे इसी का 5 नंबर है, x² - 10x + 2 = 0। अब समझिए दोस्तों फॉर्मूला यूज करना है b² - 4ac, बी का घर्षण कितना है -10² - 4, ए आगे में कितना है 1, एक्स के आगे में नहीं कुछ रहे तो 1 मान लीजिए, सी कितना है दोस्तों 2, 10² = 100, 4 × 2 = 8, देखिए सेम आंसर आ गया, 100 में 8 चला गया 92, प्लस है ना, इसमें भी लिखिएगा मूल लिख देना होगा आपको, मूल वास्तविक और असमान है। चलिए तो इसको उतार लीजिए आप लोग, अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोलता है,
क्वेश्चन नंबर तीन पढ़ाइए। कहता है ज्ञात करें कि द्विघात समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। मतलब द्विघात समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। अब समझते हैं दोस्तों, जैसे 9x² - 12x + 4 = 0। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर तीन का वन है। अब समझिए दोस्तों, इसमें सवाल क्या करा है कि द्विघात समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं है। तो काम वही है, क्वेश्चन भले कितना भी पुनरावृत्ति बोले, वास्तविक बोले, विवेचक बोले, सब में काम उतना ही करना है। क्या काम करना है वो देखिए, सब में सबसे पहले b² - 4ac काम करना है। इस चैप्टर में यही काम करना है, इस पूरे चैप्टर में दोस्तों बस यही फॉर्मूला लगाते जाना है, ठीक ना। b² देखिए है -12, तो -12² - 4a, a का वैल्यूशन है 9, c का वैल्यूशन है 4, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 9 + 36 + 144। देखिए आ गया ना जीरो, जीरो आया ना। जीरो आ गया इसका मतलब है कि पुनरावृत्ति मूल पूछा है, पुनरावृत्ति मूल है या नहीं, तो आंसर लिखिए है। जीरो आया तो आंसर लिखिए है, जीरो नहीं आता तो आंसर लिखते नहीं। समझ में आ गया, तो आंसर जीरो पर डिपेंड करता है। जीरो आया तो पुनरावृत्ति मूल है, जीरो नहीं आया तो आंसर लिखिए नहीं। उतार लीजिए इसको दोस्तों। चलिए उतार लिए। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखिए। इसी में एक और क्वेश्चन देखिए, y² - 6y - 6 = 0। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये 3 का 2 है। समझते हैं कि इसमें मूल का पुनरावृत्ति है या नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए b² - 4ac। बी का वैल्यूशन कितना है -6² - 4a, a का वैल्यूशन है 1 और c का वैल्यूशन है -6। 6² = 36, -+6 = 24, ऐड कर दीजिए, देखिए आ गया 60। 60 आया ना दोस्तों, क्या जीरो आया, नहीं ना आया, यहाँ आया 60, इसका मतलब इसमें नहीं है, इसमें लिखिए नहीं। जीरो आएगा तभी यहां, जीरो नहीं आएगा तो नहीं। उतार लीजिए। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 4 देखते हैं। चार नंबर है, मूलों की समीक्षा करें। चार नंबर क्वेश्चन है, मूलों की समीक्षा करें। समीक्षा का मतलब होता है आपको बताना है कि मूल वास्तविक है, मूल अवास्तविक है, या मूल किस प्रकार का है, वो हम लोग को बताना है, ठीक ना। तो देखते हैं, वो आंसर पर डिपेंड करता है। तो 2 क्वेश्चन है 4 में, एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 4 का पहला ही देखते हैं। क्वेश्चन है 4x² + 7x + 2 = 0। चलिए यही क्वेश्चन दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए कि हम लोग को बताना है कि मूल क्या है इसका, ठीक ना, किस रूप में मूल है। तो पहले हल कर लेते हैं, फॉर्मूला यूज कीजिए, आगे करते हैं, यही फॉर्मूला लगना है, इस पूरे चक्कर में यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक ना। b² - 4ac,
बी कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4, सी कितना है 2, 7 का स्क्वायर 49, 4 चौक 16 दूनी 32, 9 में 2 गया 7, 4 में 3 गया 1, 17 आया दोस्तों 17 आ गया, 17 है ना प्लस में है ना, तो प्लस में आपको लिखना पड़ेगा कि मूल वास्तविक और असमान, कौन सा मूल आया है वो आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए हो गया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, पांच नंबर क्वेश्चन है कि पता करना है मूल वास्तविक है या नहीं, मतलब वही क्वेश्चन दोस्तों, इसे पता करना है कि मूल वास्तविक है या नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसे 5 का 2 देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 2/3y प्लस 1/9 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे पता करना है कि यह मूल वास्तविक है या नहीं, वही काम करना आपको बता चुके हैं फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 2/3, माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यूशन है 1, सी का वैल्यूशन है 1/9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर है 9, माइनस 4/9 कट गया दोस्तों, आ गया कितना 0, इसका मतलब मूल वास्तविक है, 0 आया मतलब वास्तविक है। ठीक ना, उतार लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों सवाल नंबर अब 6 देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बिना मूल ज्ञात के बताएं कि मूल की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है दोस्तों, मूलों की प्रकृति बताना है, है ना, मूलों की प्रकृति क्या होगी। समझिए क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू, हम आपको क्या बोले हैं कि इस चैप्टर में कुछ भी बोले बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक ना, अब चलिए बी कितना दोस्तों माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यूशन कितना है 2, सी का वैल्यूशन कितना है 3, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 3 × 6 = 24 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, 12 है दोस्तों ना। अब पूछा क्या है मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मूल वास्तविक है या अवास्तविक है, तो प्लस में है ना, प्लस का मतलब कि मूल वास्तविक है, वास्तविक और पूरा लिख सकते हैं और असमान, मूल वास्तविक और असमान है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यही टॉपिक था दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चन है,
इसमें छह क्वेश्चन में देखिए समझिए, इसको आप लोग पहले उतार लीजिए उसके बाद आपको समझाते हैं। उतारिए पहले, चलिए अब देखिए दोस्तों। तो ये छह क्वेश्चन रहा जिसमें हर तरह क्वेश्चन रहा, इसमें कुछ क्वेश्चन में था मूलों की समीक्षा करें, कुछ क्वेश्चन में था कि मूल वास्तविक है या नहीं, कुछ क्वेश्चन में था मूल की पुनरावृत्ति है या नहीं, फिर ना कुछ क्वेश्चन में था विवेचक ज्ञात करना। जो भी क्वेश्चन है सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, बस यही यूज कीजिए सारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सात से थोड़ा चेंजिंग दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये चैप्टर थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया कि सब में एक ही तरह क्वेश्चन है तो समय काटने से फायदा नहीं था दोस्तों, है ना। अब आप थोड़ा समय लेके समझिए, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर सात से जो क्वेश्चन है वो टोटल बारह तक है, मतलब आप सात नंबर समझ गए अब बारह तक बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें दोस्तों कहता है के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। दोस्तों कैसे निकालते हैं के का मान वो देखिए, 4x² - 2 × k + 1x + k + 4 बराबर कितना, जीरो। अब आप सीखिए दोस्तों, सवाल कोई भी हो 4.3 चैप्टर में, सवाल कोई भी हो फॉर्मूला वही रहे, जानते हो क्या, इसमें से k का मान निकालना, लगा दिया फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। सवाल कोई भी हो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक ना। देखिए कैसे, b b स्क्वायर, b का वैल्यूशन कितना है, -2 × k + 1 होल स्क्वायर, ठीक है, -4, a का वैल्यूशन है 4, c का वैल्यूशन है k + 4, बराबर जीरो कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां से कैसे आंसर निकालते हैं, सबसे पहले देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, a + b² क्या होता है, a² + b² + 2ab, क्लियर है दोस्तों। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, a + b² a² + b² + 2ab, ठीक है दोस्तों। माइनस 4 × 16 × k + 4 बराबर जीरो, मतलब k का मान निकालने बोले फिर भी इसी फॉर्मूले का यूज कीजिए, 4 को k से गुना किए 4k² 4 को 1 से गुना किए 4 × 2 = 8k 16 को k से गुना किए 16k 16 × 4 = 64 बराबर कितना हो गया जीरो। अब देखिए 4k² 8k में 16k चला गया दोस्तों तो -8k और 64 में 4 चला गया तो -60 = 0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अभी सब गुणनखंड कर लेना, पहले सबको 4 से भागा, सब में 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 4 से भागा दे दीजिए, 4 कट गया, 4 × 2 = 8 15 × 4 = 60 कितना आ गया, k² - 2k - 15 = 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, कौन ऐसा दो संख्या जिसको घटाएंगे तो आएगा 2 और गुना करने पर आएगा 15, तो आंसर मिलता है दोस्तों 5 और 3, 5 में 3 घटा दी दोस्तों, -3k + 5k, -3 में + 5 किए -2 बच जाएगा दोस्तों। अब कॉमन कर लिए, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है दोस्तों, के मिल रहा है, के कॉमन कर लिए, जो छोटा था उसको बाहर निकाल दिए, यहाँ 2k है, 1 निकल गया 1 बच गया, यहाँ से के निकल गया बच गया कितना 3, यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है दोस्तों 5 बाहर कर दिए, के माइनस कितना 3, बाहर वाले को एक साथ लिख दिए k + 5, ये अंदर वाले को एक साथ लिख दिए k - 3,
अब देखिए प्लस फाइव है बराबर उधर चला गया माइनस फाइव, और माइनस तीन है बराबर उधर चला गया प्लस तीन। हो गया आंसर दोस्तों। तो k का दो मान आ गया, एक मान है तीन और एक मान है माइनस पांच। तो इस क्वेश्चन में यही काम करना है, k का मान निकालने बोलेगा। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहां से एक समीकरण लाएंगे। समीकरण लाने के बाद कि सब में चार था, सबको चार से भागा दे दिए, आगे के स्क्वायर माइनस टू के माइनस फिफ्टीन गुणनखंड कर दिए। आप चाहिएगा द्विघात समीकरण से भी तोड़िएगा, आंसर आ गया। उतार रहे दोस्तों, तो आप लोग इसी प्रकार से सवाल नंबर सात से आप लोग बारह तक बनाइएगा। कल जो दिक्कत होगा हम आप लोग को बता देंगे, और कल ही स्टार्ट कर देंगे दोस्तों 4.4 क्योंकि लैंग्वेज वाला चैप्टर है दोस्तों। उसके बाद इस चैप्टर के बाद आप लोग हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति दोस्तों।